और इसके कप का साइज़ चेक करें। ये जो शॉप वाले हैं उन्होंने कम्प्लीमेंट्री हमें ऑफ़र की है, पर उनकी मेहमान नवाजी है, पर चाय टेस्ट गुड। जो वो अभिनंदन को बुलाई थे ना, ये वो वाली चाय है। अभी ऐसा है कि अभी चलते हैं मार्केट और अभी जाके इसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं, और एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा के आपको एक तो उसकी कॉस्ट बताएंगे कि कितनी आ रही है, और जो मतलब यही कॉस्ट जो नई सिटी है उसके ऊपर भी यही चीज़ें इतना ही एक्सपेंस आएगा, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सर ये कि पैनल वगैरह का फ़र्क पड़ेगा, तो जो जो काम करवाते हैं भैया आपको वो भी दिखाते हैं। तो हम लिंक रोड वाली मार्केट के ऊपर आ गए हैं, तो ये अभी पोशिश वाली शॉप पे गए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी पोशिश किस कलर में अवेलेबल है, उसकी प्राइसेस क्या हैं। अच्छा जी, ये कलर्स हैं अभी अवेलेबल जो सूटेबल हैं हमारी गाड़ी के साथ। तो ये थोड़ा सिविक स्टाइल है, ये जो परफोरेटेड लेदर वाला आया है किया स्पोर्टेज में उस तरह का, और ये ओल्ड स्कूल जैसे सिटी में चल रहा है 2009 से 10 से करवा रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं इनमें से रख के कौन सी ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो सर इसके ज़रा कैंडिडेट्स बताते हैं कि रेट्स क्या क्या होंगे। सर जी आपको मिलेगी 8,000 की, ये आपको मिलेगी 7,000 रुपये की, ये मिलेगी 8,500 रुपये। अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिज़ाइन का फ़र्क है, डिज़ाइन का फर्क है, क्वालिटी का फ़र्क है। ठीक है, तो आपकी आपकी रिकमेंडेशन क्या है वैसे। जी मेरी रिकमेंडेशन ये है, ये वाली है जी। और इसकी क्या प्राइस बता रहे हैं। 8,000। ये सिविक स्टाइल वाली है। हाँ जी, और ये 7,000 रुपये की जो सबसे पहले लोग डायमंड कट वाली। सर अभी इसका ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें ये तो 10 बजे जब जाती है ना तो ये जल्दी से फारग हो जाता है। ठीक है, और इसके को मटेरियल वगैरह की बता देंगे क्वालिटीज क्या हैं। जी सर ये एक चाइना मटेरियल है सर सारी। जी ठीक है, पहले जो कहते थे जापानीज आई सर, वो जापानीज तो आ ही रहा, झूठा है ऐसे बंदा के चाइना चल रहा है। मैटिंग का बताइएगा जरा क्या इसका रेट है। मैटिंग सर अपन की 3,000 रुपये की। 3,000 रुपये की जी। और ये भी सेम कलर में सर। नहीं हल्के वाली भी पड़ी, ऊपर हार्ड क्रैक हो जाती है ना, आपको चीज़ वो दिखा रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है। एलसीडी देख रही है इसकी सिटी की, तो इसमें कोई क्वालिटी वगैरह है कि इसका भी थोड़ा सा गाइड करना। अच्छी क्वालिटी की आई है। अच्छी क्वालिटी की तो है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह। 16 GB हार्ड है, वाईफाई यूट्यूब इंटरनेट हर चीज़ चलेगी। वो जो कोई खरीदना चाहता है उसको थोड़ा सा गाइड करें कि वो क्या चीज़ें देखते हैं लेंगे। इसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए बस। ठीक है, और इसमें वो भी है ना TFT है और ये फलाना नहीं, अब सारा IPS आ रहा है। अब सारा IPS आ रहा है। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस है जी। ये आपको मिलेगा फ्रेम के साथ 17,000 रुपये का। 17,000 रुपये का फ्रेम के साथ। तो फ्रेम वैसे अलग होता है, इंक्लूडेड होता है साथ ही इसके होता है, फ्रेम के बगैर लगनी नहीं है। ठीक है, जब कैमरा है, कैमरे में जी दो किस्म के कैमरे हैं। अब इसमें थोड़ा सा बताएं कि कौन सा कैमरे का क्या फीचर है। ये पेचों के साथ ड्रिल करके लगेगा, ये इसकी प्रॉपर फिटिंग में लगेगा। ये इसके साथ वो जो इसकी बैक साइड पे वो लगा होता है बल्ब जो नंबर प्लेट के ऊपर होता है उसके ऊपर लग जाता है। अच्छा इसकी थोड़ी प्राइस भी बताते हैं। ये 1500 बच्चे ये 2500 रुपये का। अच्छा क्वालिटी दोनों की सेम है कि सिर्फ इसकी वजह से पैसे ज़्यादा है। इसकी वजह से पैसे ज़्यादा। हाँ जी, दूसरा इसके लिए तार डालनी पड़ेगी, उसी तार पे चल जाएगा। ठीक है, इसका ग्रिप टू ग्रिप लग जाएगा, कोई कट एंड आपको पंचर नहीं करनी पड़ेगी वायर। ठीक है, सेट मिलेगा 5,500 रुपये का। और इसमें ये क्रोम वाले और सादा भी आते हैं। क्रोम ही आते हैं सारे, आते हैं क्रोम वाले, कंपनी भी क्रोम ही लगाती है। अच्छा जी, ये सारी सीटें शीटें इन्होंने बाहर निकालनी है, और ये एक सीट हो चुकी है हमारी, अभी फाइनल इसको टच करेंगे जहाँ जहाँ से। और ये फोग लैंप्स हैं, तो ये इस जगह पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे इसमें आई नहीं है, ये क्लिप ऑन ही लग जाते हैं, डाला कंपनी के जाते हैं। अच्छा जी, फोग लैंप्स के लिए आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये आपका सारा बम्पर खुलता है उसके बाद जाके फोग लैंप्स लगते हैं, वैसे ही इतने ईजीली नहीं लग जाते कि ऊपर से या बाहर से उसको करेंगे। ये आपके सामने इन्होंने सारा ये उतार दिया, और ये जो एरिया यहाँ पे इसको काटेंगे जैसे ये कर रहा है, फिर करने के बाद पेचकस की मदद से उतर जाता है, और यहाँ पे ओरिजिनल जगह बनी हुई होती है फॉग लैंप्स लगने की। ये देखें आप, ये इन्होंने इसके ऊपर लगा दिया है, और इसकी जो वायरिंग है ना वो एक कंपनी फिटेड होती है पहले से ऑलरेडी, एक ग्रिप ऑन ही लग जाता है बस। आपको एक बड़ी यूनिक सी चाय दिखाते हैं, चाय के कप आप चेक करें कितने ह्यूज साइज़ के हैं। इस हमले इसमें सिर्फ एक दो चाय होने हैं, तो आपके सामने है जी ये चाय है, और इसके कप का साइज़ चेक करें। ये जो शॉप वाले हैं उन्होंने कम्प्लीमेंट्री हमें ऑफ़र की है, पर उनकी मेहमान नवाजी है, पर चाय टेस्ट गुड। जो वो अभिनंदन को बुलाई थी ना, ये वो वाली चाय है। गाड़ी का काम तो भी हो रहे हैं, और गाड़ी का काम कराने में समझ लें आपको ऑलमोस्ट तसल्ली से पूरा टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो अभी का बज रहे हैं 4, और तकरीबन आधा काम हो गया, सिर्फ अभी हमारा LCD वाला पैनल वगैरह रह गया,
अभी वो इंस्टॉल होता है, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि क्या क्या काम करवाए हैं हमने। जी मैटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और ये भाई अभी जो है ना वायरिंग कर रहे हैं, इसमें एम्पलीफायर की वो जो है ना वायरिंग करवा रहे हैं। तो ये बैटरी से निकाल ली इन्होंने वायर, ये आपके सामने जा रही है। तो यहाँ पर एक सुराख होता है, यहाँ से इसके अंदर लेके जाते हैं उसको। तो भी एंड्रॉयड मैंने इधर पड़ा है, ये एक सीट इन्होंने रख दी है इसके ऊपर, और मैटिंग हो गई है आगे से हो गई है, पिछली साइड से भी रहती है। अभी जब इंस्टॉल करते हैं इसका एंड्रॉयड पैनल, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल ग्रिप ऑन होता है, कि इसके साथ कोई तार को जो काटना पड़ता है। अच्छा ये इन्होंने उतार लिया है इसका जो ओरिजिनल लगा हुआ था, तो इसकी सारी पीछे से वो पैनल समेत निकला है। तो इसमें एसी के जो सारी वायरिंग शायरिंग थी, क्योंकि इसमें एनालॉग एसी है, वो भी निकल आई है। ये पैनल जो एंड्रॉयड पैनल के साथ आया, ये लग जाएगा एज इट इज़, और ग्रिप टू ग्रिप लगेगा। वैसे वायरिंग जो है ना वो कोई कट डाउन नहीं करेंगे इसकी। जी ये इसका वो एसी वाला निकल आया बाहर, तो वो पुराना वाला एंड्रॉयड पैनल अब इसकी जगह पे फिट हो जाएगा, और ये जो सारा इसका निकला है ना, इसका मैकेनिकल जो सा एसी के कंट्रोल्स, ये सारे इसके अंदर यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अगर खाली एंड्रॉयड पैनल हो तो वो तो बड़े आराम से आप घर पे खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी अभी तक ये कैमरा इंस्टॉल हो गया है, तो ये वही लगवाया जो इसका ओरिजिनल फिटिंग में आया। तो ये जो बल्ब होता है उसके अंदर लग जाता है, जैसे ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, इस कवर के अंदर ही लग जाता है। ये देखिए एयर प्रेसर भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा लें, ये क्रोम गार्निशिंग वाले, पर वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इतने को रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि थोड़े अर्से बाद जब चलती है गाड़ी, थोड़े पुराने होते हैं तो ये उतर जाते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे नीचे उसकी जो स्टिकर टेप से होती है उसके निशान छोड़ जाती है। बाकी अगर आपको पसंद है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं तो आप ज़रूर लगवाएं, बाकी आफ्टर मार्केट इतने रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी एंड्रॉयड पैनल भी इंस्टॉल हो गया है, होते तो ये सारे चाइनीज़ हैं, तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। आपको ये मैं स्विच लगा के दिखाता हूँ, जो रिवर्स कैमरा है, ये आपके सामने रिवर्स कैमरा चल रहा है। ये भी डिग्गी खुली हुई है, इसलिए ऊपर का व्यू दिखा रहा है। गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। ये गाड़ी की जो सीटों की पोशिश है आपके सामने है, ये इसकी फाइनल लुक है, इस तरह की है। अभी थोड़े से रिंकल वगैरह हैं, ये जब थोड़ी सी धूप सूप पड़ेगी तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इसमें ये 3D मैट्स रखवा दिए हैं, उसके बाद इसमें ये नीचे भी मैटिंग करवा दिया है, और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें एंड्रॉयड पैनल आ गया, ठीक है, ये यूट्यूब अभी इस पर चल रही है। और उसके अलावा इसमें ये एयर प्रेसर वगैरह इंस्टॉल करवाए हैं जी। उसके अलावा ये फॉग लैंप इसमें इंस्टॉल करवाए हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर क्रोम गार्निशिंग वाले फॉग लैंप, पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये पीछे भी 3D मैट्स आ गए हैं, पीछे से पोशी वगैरह होती है। इसका ओरिजिनल जो ऑडियो यूनिट आया था ये उतार के रख लिया, और ये जो लाइट का कवर उतरा है कैमरे वाला, ये वो है। अच्छा जी सिटी के अंदर बेसिकली ना दो स्पीकर आते हैं फ्रंट दोनों डोर्स के अंदर, जो पिछले दरवाज़ों के अंदर हैं वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी जो से आप फ्रंट पे लगे हुए हैं, अभी सिर्फ वही चल रहे हैं इसकी LCD के साथ, तो आपको ये अपग्रेड करने पड़ते हैं। वैसे ये भी बड़ी अफसोस वाली बात है कि गाड़ी जो से 1300 CC है, बड़ी गाड़ी है, और इसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट वहाँ में स्पीकर लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि वैगनार तो है नहीं जिसके अंदर स्पीकर नहीं दिए थे। बहरहाल जो भी नई सिटी आई है उसके अंदर चारों दरवाज़ों के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं। अच्छा जी ये देखें, ये रिवर्स कैमरा जो सा इसका तकरीबन ऑलमोस्ट सिस्टम, 5 बज रहे हैं शाम के, तो ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा तो मीम भाई मुझे बताइएगा कि हमारी फाइनल इस पर अभी तक कितने पैसे लग गए हैं, ये सब जो काम करवाए हैं हमने, जो व्यूवर्स को दिखाए हैं, इस पर क्या कॉस्ट आ गई है? इस पर वाजिद भाई 42,500 रुपीज़ लग चुके हैं। ठीक है, और थोड़ी सी प्राइसेस का आइडिया दें व्यूवर्स को कि इसकी जो मैटिंग वगैरह है, पोशिश वगैरह है, वो कितने की हुई है, और LCD और बाकी सब जितने खर्चे हैं। कोशिश इसकी हुई है तकरीबन 10,000 में। ठीक है, और बाकी जो है ये पैनल वगैरह के ऊपर जो खर्चा आया और कैमरे के साथ 21,000 रुपीज़। 21,000 बिल्कुल। एयर प्रेसर भी 2,500 रुपीज़ के हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट। और उसके बाद आपने वो जो थोड़े से शीशे इसके थोड़े से लाइट टेंट कराए हैं। हाँ वो तकरीबन 700 में हुए। ठीक है, और उसके अलावा और क्या करवाया हमने? ये मैट्स 3D मैट्स हैं, इनकी क्या प्राइस है? जो है ये तकरीबन 2,500 के मैट पूरा सेट है। ठीक है, और उसके अलावा एंड्रॉयड पैनल भी हो गया है। हाँ जी, तो बस यही वाले काम करवाए हैं। अच्छा जी, तो ये थे आज के सारे काम, और गाड़ी की जो आफ्टर अपग्रेड करने के बाद लुक्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी बज रही है 6, तो नाउ वी आर गोइंग बैक। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।